हेलो दोस्तों, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हम बहुत अमेजिंग और यूनिक रेसिपी लेकर आए। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमने 500 ग्राम अरवी के पत्ते ले लिए। अभी ईजी हर जगह सब्जी वाली शॉप पर मिल जाते हैं। और ये देखिए, अच्छे से हमने धुलकर उन्हें कट कर लिया है, पतला पतला चॉप कर लिया है। और ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है ग्रेट करके, और इसमें पुदीना और हरी मिर्च और धनिया की चटनी, इसमें हमने ये डाल दी है। और बेसन डाल देते हैं, 2 कटोरी बेसन डाल दिया है। और इतना टेस्टी नाश्ता बनता है ये अरवी के पत्तों का। आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। और ये नाश्ता बहुत कम ऑयल में बनता है, 1 चम्मच ऑयल में। और इसमें हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। इसमें हमने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिए, हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, अमचूर पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया। और हींग तो आप इसमें ज़रूर डालें, हींग इसमें और टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगी। और इसमें हमने 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया, छोटी वाली चम्मच आएगी 2-3 चम्मच। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। आप इस तरह से पहले पत्तों और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप में इसको थोड़ी सी आवश्यकता पड़े पानी की तो चम्मच से 1-2 चम्मच डालें, ज़्यादा ना डालें, और ये गीला हो जाएगा। फिर हमारे ये जो नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता हमारा बेकार बनेगा। और ये देखिए, हमने थोड़ा सा 1-2 चम्मच ही पानी डाला है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कवर, रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए। और ये हमने एक जाली ले ली है, जाली पर ऑयल लगा लेते हैं अच्छे से। ऑयल हमने लगा लिया है और इसे हम 5 मिनट हो गए थे, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसका हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं। और इसे हम अच्छे से एक बार और मल लेते हैं, इससे ये अच्छा सॉफ्ट भी हो गया है। ये देखिए, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हमने सिलेंडर शेप में इसके आकार दे देते हैं। और ये देखिए, इसे हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। ये थोड़े मोटे ही ये नाश्ता बनता है। और आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें तो आप यही नाश्ता बार बार बनाकर खाएंगे, क्योंकि ये कम ऑयल में बनता है और हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। और देखिए, ये हमने जाली पर ऑयल लगा था, वो इस पर हम ये रोल बनाकर इसके हम रख देते हैं अरबी और बेसन के पत्ते के। और इसी तरह से हम देखिए दूसरा रोल बना लेते हैं, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर डो लेकर इसका। और इसे हम इस तरह से सिलेंडर शेप में कर लेते हैं लंबा। और इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर इसके, हमारे डो के 3 रोल बने हैं। और ये हमने रख दिए हैं कढ़ाई में, हमने थोड़ा गर्म पानी होने रख दिया था। अच्छे से पानी हमारा गर्म हो गया, इसमें ये हमने जाली रख दी है ऊपर, इसे कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और इसे चेक कर लें एक बार नाइफ से या स्पून से। और ये देखिए, हमने एक स्पून ले लिया और इस तरह से हम इसमें चेक करते हैं। और ये देखिए, नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। और ये स्पून बिल्कुल क्लीन निकला है। अगर थोड़ा आपका कच्चा रह जाए तो थोड़ी देर के लिए आप और स्टीम होने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए, स्टीम हमारा नाश्ता ये हो गया, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये ठंडा हो गया, और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये नाश्ता बन गया। और इसके हम पीस कर लेते हैं, ज़्यादा हमें मोटे भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतले भी नहीं रखना है। और ये देखिए, अच्छे से हमारा ये नाश्ता बन गया है। अगर कच्चा रह जाता तो ये चाकू में चिपकता और कटने में थोड़ी प्रॉब्लम करता। ये नाश्ता हमारा बन गया है। और ये देखिए, अच्छे से इतना सारा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, अगर तड़का ना लगाना चाहें तो आप इसमें। और ये देखिए, ऐसे भी टेस्टी लगता है। और ये नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसमें अभी हम एक तड़का लगाएंगे, आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चटनी केचप के साथ इससे। और ये हमने देखिए कढ़ाई रख दी है गर्म होने, कढ़ाई में हम 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। ये हमने लहसुन की कलियाँ ले ली थी, कट कर लिया है, और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। और इसमें हमने जीरा डाल दिया है थोड़ी देर के लिए, हरी मिर्च डाल दी है, और इसे हम 2-3 सेकंड के लिए भूंज लेते हैं। ये प्याज वगैरह हल्का सा कलर इसका पिंक सा हो जाए या तो इसे हमें भूनना है।
और ये देखिए कलर चेंज हो गया है। इसमें हमने कड़ी पत्ते ढेर सारे डाल दिए हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, इसके बाद हम राई डालेंगे। अगर पहले डालते हैं राई तो सारे में चटक चटक कर ऊपर आ जाती है, इस तरह से आप डालेंगे तो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। और ये देखिए राई भी हमारे अच्छे से भुंज गई है और ये सारी चीज़ें हमारी कलर चेंज हो गया प्याज का भी। और ये हमने कुछ मसाले मिला लेते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और ये देखिए इसमें ये हम नाश्ते को डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं एक बार इस तरह से। ये देखिए ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री नाश्ता बनके तैयार है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।